अजगरहा बाईपास में भीषण हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक लड़की सहित 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिंद्रा एक्सयूवी कार काफी तेज गति से आ रही थी जिसने एक नहीं बल्कि 3-3 बाइक सवारों को ठोक दिया। वहीं घटना के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, साथ ही दूध वाले की मौत हो गई है जिसका नाम भूपेश पटेल बताया जा रहा है। वहीं 3 अन्य जिसमें रमेश सोनी, लवकुश सोनी, प्रदीप शुक्ला, महेश यादव और एक अन्य लड़की घायल हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो संभवतः कार चालक किसी ड्रग का सेवन किए हुए था और कार चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को लेकर विश्वविद्यालय पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची। इसके अलावा रीवा एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि अगर वह आदमी हेलमेट लगाए होता तो शायद उसकी जान बच जाती। अब सवाल ये है कि हेलमेट लगाने से और एक्सीडेंट करने से क्या संबंध। हालांकि हेलमेट लगाना आवश्यक है लेकिन हेलमेट लगाए भी रहेंगे और कार चालक जबरदस्ती आके ठोक देगा तो कोई क्या कर सकता है। फिलहाल पुलिस की अपनी सोच है और पब्लिक की अपनी सोच है। विंध्य भारत आपसे अपील करता है कि आप हेलमेट जरूर लगाएं। ये हम लोग इटाहा से आगे रतहरा तरफ जा रहे थे तो बीच में एक क्रॉसिंग टाइप पट्टी, कौन सी जगह है वो? वहाँ रॉन्ग साइड से कार आई है और हम लोग को ठोकर मारते हुए एक हमारे साथ महेश प्रसाद यादव है वो चला रहे थे गाड़ी, हम पीछे बैठे हुए थे। बहुत बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रही है, हम लोग सीधे आ रहे हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड से आ रही है कार। नहीं नहीं, एक जन यादव जी है ये है। नहीं, हम लोग दो लोग थे ही, सिर्फ दो लोग थे हम लोग, बाकी की जानकारी इनको नहीं है। हम लोग दो लोग थे ही मोटरसाइकिल में। प्रदीप कुमार शुक्ला। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट में अभी एक व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है और उसमें घटना के अन्य कारण तो हम लोग तलाश रहे हैं, परंतु अभी जो थाना प्रभारी ने सूचना दी है उसके अनुसार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे और उनके हेड इंजुरी आई है जिस कारण मौके पर उनकी डेथ हुई है। अभी हम लोग मौका मुआयना भी हमारी टीम करेगी कि अन्य कारण उसमें क्या क्या थे, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि हेलमेट के लिए कृपया करके आप सभी लोग भी हमारा सहयोग करें और अधिकतम लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें जिससे कि ऐसी घटनाओं से उनकी जान बच सके। अभी हम उसको परीक्षण करेंगे, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हेलमेट होता तो एक जान बचने की आशंका रहती और जो भी कार वाले की गलती रही उस पर मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई भी हम करेंगे। अगर वहाँ कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग में समस्या है तो उसको भी हम नगर निगम और पीओडी से बात करके सॉल्व करेंगे। किसमें तो उसके अनुसार उसमें हम अन्य धाराएं इजाफा करेंगे और मुझे लगता है जो हमारे अवैध शराब की कार्रवाई के साथ हम लोग लगातार शराब पी के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं उससे काफी अंतर तो आया है। कुछ घटनाएं जो हुई है इन पर भी लगातार हम लोग एक्शन लेंगे। अभी हमको परेशान